गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा में आतिशजदगी का वाकया पेश आया है। अस्पताल में इमरजेंसी समेत ओपीडीज वार्ड भी बंद कर दिए गए, गेट पर भी ताले लगा दिए गए हैं। मजीद इस हवाले से हमें बताएंगे मोहम्मद अली। जी अली बताइएगा। अभी गुज़श्ता रात का वाकया है जिसमें मेन बिजली का जो उनका यूनिट था वो जल गया, जिसके बायस पूरा हॉस्पिटल इस वक्त बंद है और जिनकी जिंदगियां खतरे में वो है डायलिसिस के पेशेंट और जो गायनी की खवातीन पेशेंट थी उनकी एक बहुत बड़ी तादाद आज सुबह हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। इंतजामिया ने गेट बंद करके ताले लगा दिए हैं। उनका ये कहना है कि ये 2 से 3 करोड़ रुपए का दोबारा इस पर अखराजात आएंगे। जब तक पंजाब हुकूमत या महकमा सेहत इनको करवा के नहीं देता उस वक्त तक ये हॉस्पिटल नहीं खुल सकता। मेन वजह यह है कि शाहदरा के करीबी इलाके जितने भी हैं जिसमें शेखपुरा रोड है, इमामिया कॉलोनी है, इसी तरह शाहदरा के अतराफ के जितने भी गाँव हैं इसके जितने पेशेंट हैं बिलखसूस गायनी के और दूर दराज से आते हैं लोग जो डायलिसिस के पेशेंट हैं जिनके रोजाना के बुनियाद पे हफ्ते में 3 बार भी डायलिसिस होते हैं, वो मरीज इस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ में है और बेयारो मददगार हॉस्पिटल की बाहर पार्क में पड़े हुए हैं। महकमा सेहत ने कोई मुतबादिल बंदोबस्त, कोई एम्बुलेंस उनके लिए नहीं है। जो अभी कुछ देर कबल इंतजामिया का यह मौका था कि हम इस हवाले से कोई बात नहीं करना चाहते, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, हुकूमत को चाहिए वो इसको बहाल करे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली आपका, आप अफसोसनाक खबर से हमें आगाह कर रहे थे।